खबर की बात के साथ मैं हूं अनवी। कांग्रेस ने विपक्षी दलों की दूसरी बैठक के लिए दक्षिण भारत के भी कई दलों को आमंत्रित किया है। इसमें एआईएडीएमके, केडीएम, वीसीके, आरएसपी समेत कई दल शामिल है। इस बार विपक्षी बैठक में कितनी पार्टियां होगी शामिल, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में इस बार 24 दल हिस्सा लेने वाले हैं। कांग्रेस ने बैठक में शामिल होने के लिए 24 पार्टियों को आमंत्रित किया है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। 18 जुलाई को सभी दल बेंगलुरु में एकजुट होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने सभी 24 पार्टियों को फोन करके मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। बैठक से एक दिन पहले कांग्रेस ने विपक्षी दलों के लिए डिनर भी रखा है। कांग्रेस ने दक्षिण भारत के कई विपक्षी दलों को भी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है। सूत्रों ने दावा किया है कि पटना मीटिंग के मुकाबले कांग्रेसी विपक्षी दलों की बैठक में 8 और दल शामिल होंगे। इस बार बैठक में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती है। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार भी उसका दावा कर चुके हैं कि सोनिया गांधी मीटिंग में हिस्सा लेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विपक्षी दलों की ऐसी पहली बैठक 23 जून को बिहार के पटना में हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।